गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों कैसे आप सभी लोग क्या हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है सारी चीजें प्रॉपर चल रही है या फिर नहीं एक बार जल्दी से आप सभी मुझे बता दें अंकित सिंह हेलो भाई हेलो हेलो आप सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग अगर सारी चीजें सही चल रही हो सारी चीजें समझ में आ रही हूं तो एक बार जल्दी से आप सभी हम सब दे दें और फिर मैं आगे स्टार्ट करूं जितने बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर कर दें एयर फोर्स लवर गुड इवनिंग बनी पटेल गुड जय हिंद रोहित राजपूत गुड इवनिंग आ, संजय कुमार पटेल हेलो अंकित हेलो मनीष जय हिंद एच यादव जय हिंद अंकित सिंह गुड नाइट नहीं भैया गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग जब किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो वो गुड इवनिंग होता है क्या होता है वो गुड इवनिंग होता है ठीक है ना आर एच यादव गुड इवनिंग रोहित जी सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं बेहतर चल रही हैं बच्चों ये आ, आपको प्रोडाउन में आपको अभी पढ़ा रहा हूं और इसकी जो सीट है वो आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सुशील सर द स्पीड टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को इसकी शीट मिल जाएगी वहां पर जाकर के आप सभी इसकी शीट प्राप्त कर सकते हैं द इंग्लिश बाय सुशील सर द स्पीड टेलीग्राम चैनल डालिएगा वहां पर आप जाकर के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रोहित राजपूत सभी सही चल रहा है वेरी गुड अर्णव द्विवेदी गुड इवनिंग मोहम्मद आशिफ गुड इवनिंग मोहम्मद आशिफ गुड इवनिंग मोहम्मद आशिफ तो बच्चों सारी चीजें सही चल रही हैं बिल्कुल सही चल रही हैं अभी तक हमने आपको इसमें क्लास नंबर 4 तक ले लिया है आज की क्लास नंबर 5 है और आज है थर्सडे कल और कल और केवल ये यूट्यूब पर चलेगा इसके बाद ये अप्लीकेशन पर चलेगा अभी तक हमने क्या बताया है कि प्रोनाउन का बेसिक बताया हुआ है प्रोनाउन का बेसिक बताने के बाद यहां से प्रोनाउन का एडवांस पार्ट की शुरुआत हुई है यहां से प्रोनाउन के एडवांस पार्ट की शुरुआत हुई है तो ये आप कह लेना सर ये प्रोनाउन का एक क्या है एडवांस पार्ट है यहां से मैंने शुरुआत की एडवांस पार्ट की फिर इसके बाद अगर आप देखें तो एडवांस पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एडवांस पार्ट कंप्लीट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यहां से हमने एडवांस पार्ट की शुरुआत की और कुछ बातों के हमने आपको बता के रखा है पहली बात आपको बता के रखा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको हमने समझा के रखा है पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों का है वो ये है कि वर्ब से पहले जो आए वो सब्जेक्ट होगा और वर्ब की बात जो आए वो ऑब्जेक्ट होगा अच्छा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा सब्जेक्ट ये हो गए हमारे और ऑब्जेक्ट इसका ये हो गया ध्यान में रखना है कि प्रोनाउन में केवल पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है ऐसा नहीं सभी प्रोनाउन का नहीं होता केवल और केवल पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहा जाता है फिर आपको हमने प्रेपोजिशन के बाद आएगा जो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने आपको समझा के रखा है क्वेश्चन नंबर टोटल हम लोगों के हो गए थे कितने क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर क्वेश्चन नंबर हमारे थर्टी सेवन हो, हाँ थर्टी सेवन तक आपके कल क्वेश्चन हो गए थे थर्टी एट से क्वेश्चन मुझे स्टार्ट करना था हम सभी को थर्टी से से स्टार्ट करना था तो थर्टी एट नंबर से हम सभी को समझना पड़ेगा थर्टी एट नंबर से समझना पड़ेगा थर्टी सेवन तक क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवा दिया था मोहम्मद आसिफ गुड इवनिंग मोहम्मद आसिफ चलो थर्टी एट नंबर समझते हैं हम लोग थर्टी एट नंबर यहां पर है और 38 से 44 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों को समझना है वन बाय वन करके लेकिन इस बात को समझने के लिए इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आप सभी को इसका कुछ फंडामेंटल समझना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए हमें इस बात का फंडामेंटल समझना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें वो फंडामेंटल ध्यान देना पड़ेगा कि वो फंडामेंटल क्या है तो चलो आप सभी देखें फंडामेंटल क्या है इसका और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा थर्टी सेवन से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको दो छोटे छोटे सेंटेंस लिखे और फर्स्ट सेंटेंस हमने ये कहा कि राम इज स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग फर्स्ट सेंटेंस हमने ये कहा राम इज स्ट्रांग आपने कहा राम स्ट्रांग है फिर आपने कहा श्याम इज स्ट्रांग मतलब श्याम भी क्या है स्ट्रांग है अच्छा अगर आप इसे एक्सप्रेस करना चाहें तो आप कह सकते हैं सर हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके मतलब सिमली का प्रयोग करके राम और श्याम को कह सकता हूं कि राम और श्याम दोनों इक्वल स्ट्रांग है फिर हम कंपरेटिव डिग्री का भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं अगर आप कंपरेटिव डिग्री का यहां पर प्रयोग कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि या तो राम को बड़ा बना दीजिए या तो राम को ज्यादा स्ट्रांग बना दीजिए या आप कहेंगे या फिर श्याम को स्ट्रांग बना दीजिए अब आप सुपरलेटिव डिग्री यहां पर नहीं लगा पाएंगे क्यों क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए आपके पास मोर देन थ्री पर्सन होने चाहिए या मोर देन थ्री पर्सन आर थिंग्स होने चाहिए तब आप सुपरलेटिव डिग्री वहां पर लगा पाएंगे तो आप कह पाएंगे इसमें पहली बात हमारी कही जा सकती है क्या कि आप ये बात कह सकते हैं कि राम और श्याम दोनों इक्वल स्ट्रांग है अगर आपने ये कहा तो आपने कहा सर ये तो सिमली वाली बात है ये तो सिमली वाली बात है हाँ सिमली वाली बात है अब एक बात समझो थोड़ा सा हमने कहा कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम अगर ये अगर ये इक्वल इंपॉर्टेंट है या इक्वल स्ट्रांग है तो आप कह सकते हैं कि का यूज करके कि राम इज एज स्ट्रॉग एज श्याम यानी राम उतना ही स्ट्रांग है जितना कि श्याम अब थोड़ा सा यहां बात मेरी बात को समझना आप सभी हमने कहा कि ये देखो ये वर्ब होगा और वर्ब से पहले जो आया वो क्या कहा जाएगा सब्जेक्ट कहा जाएगा अच्छा इस राम का जो कंपेयर किया जा रहा है तो आप कहेंगे सर श्याम के साथ किया जा रहा है अब आपने एक बात पढ़ी है कि सेम थिंग्स आर कंपेयर्ड यानी सेम थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड सेम पर्सन आर कंपेयर्ड मतलब क्या आप कह सकते हैं कि समान चीजों में या समान व्यक्तियों में कंपेरिजन शो कराया जा सकता है तो आप कहेंगे यहां पर राम क्या है एक सब्जेक्ट है अगर ये सब्जेक्ट है तो आप कहेंगे सर श्याम भी क्या होना चाहिए फिर सब्जेक्ट होना चाहिए क्यों होना चाहिए इस वजह से होना चाहिए कि सेम थिंग्स आर कंपेयर्ड सेम पर्सन आर कंपेयर्ड अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो वो भी क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा अच्छा एक बात यहां पे और देखो आप सभी अगर हम आपसे पूछें कि ये जो इज लगा रहे हैं हम सब्जेक्ट राम भी है श्याम भी है पर यहां पर जो इज लगा रहे हैं उसके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा तो आप कहना सर उसके लिए सब्जेक्ट जो बनेगा वो राम बनेगा इन बातों को ध्यान रखना प्रोनाउन को ही पढ़ा रहे हैं बट ये आपका एक फंडामेंटल है इनके लिए सब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा राम बनेगा अच्छा एक दूसरी बात हम लोग यहां पर यूज करते हैं दूसरी बात क्या कि एक बार ऐसा करो राम को अब आप क्या बना दो ज्यादा स्ट्रांग बना दो यानी राम ग्रेटर देन श्याम अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप कहेंगे सर इसके लिए अगर सेंटेंस लिखना चाहें तो कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं कैसे आप कहेंगे राम इज स्ट्रॉगर देन राम इज स्ट्रॉगर देन श्याम यानी जो राम है वो श्याम के कंपेयर में अधिक स्ट्रांग है जो राम है वो श्याम के कंपेयर में अधिक स्ट्रांग है अब आपने अभी भी क्या कहा कि देखो यहां पर एक ये वर्ब है वर्ब से पहले जो आए वो सब्जेक्ट होगा और इस राम का कंपेयर आप श्याम के साथ कर रहे हैं अगर राम का कंपेयर श्याम के साथ कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सेम सेम थिंग्स आर आर कंपेयर्ड, कंपेयर्ड। यानी अगर ये सब्जेक्ट है, तो आप कह सकते हैं ये कि राम भी श्याम भी एक क्या होगा सब्जेक्ट होगा अगर अब तक आपको ये बात समझ में आ गई हो एक बार अगेन देख लो आप सभी एक बार अगेन इस बात को समझ लो क्या समझाया गया हमने दो छोटे छोटे आपको सेंटेंस लिखे राम इज स्ट्रांग और श्याम इज स्ट्रॉन्ग मतलब ये कि राम और श्याम पहला आप कर सकते हैं कि राम और श्याम दोनों को इक्वल स्ट्रांग बना सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं राम और श्याम दोनों को इक्वल तो आप सिमली का यूज करके लिख सकते हैं यानी राम और श्याम दोनों इक्वल स्ट्रांग है तो आप कैसे सिमली का यूज करेंगे एज एज लगा दिया आपने तो आपने क्या लिखा राम इज एज स्ट्रांग एज श्याम हमने कहा कि वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा यानी राम सब्जेक्ट है अगर राम सब्जेक्ट है तो श्याम भी क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा अगर श्याम सब्जेक्ट है आप कंपेयर राम और श्याम के बीच में कर रहे थे आपने इस बात को बना लिया बिल्कुल सही कर लिया आप कह सकते हैं सर दूसरा केस ये हो सकता है कि राम को अधिक इंपॉर्टेंट बना दीजिए अधिक स्ट्रांग बना दीजिए और श्याम को कम बना दीजिए तो आप कंपरेटिव डिग्री का उपयोग करने लगेंगे अगर कंपेटिव डिग्री आप लगाने लगेंगे तो आप क्या लिखेंगे राम इज स्ट्रॉगर देन श्याम वर्ब से पहले जो आया वो क्या होगा सब्जेक्ट होगा यानी राम सब्जेक्ट है अब राम का कंपेयर श्याम के साथ कर रहे हैं तो श्याम भी एक क्या होगा सब्जेक्ट होगा क्योंकि सेम थिंग्स आर कंपेयर्ड सेम पर्सन आर कंपेयर्ड सेम चीजों में कंपेयर किया जा सकता है सेम पर्सन में कंपेयर किया जा सकता है कभी भी आप आसमान में कंपेरिजन शो नहीं कर सकते अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ये मैं आपको एडजेक्टिव नहीं ये मैं आपको प्रोनाउन में ही सिखा रहा हूं अब सुनो प्रोनाउन में कैसे होता है तो प्रोनाउन में मेरी बात को आप समझना आप ये बताएं एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख दिया ही इज इससे समझने से पहले कुछ और समझ लो पहले आप इस बात को समझ लो कि हमने क्या किया कि एक दो को सब्जेक्ट यहां पर लगाया बीच में हमने क्या रखा कंपेयर वर्ड रखा हमने क्या किया एक सब्जेक्ट आपका पहले था और बीच में क्या कंपेयर वर्ड आया ये कंपेयर वर्ड आया कंपेयर करने का फिर कंपेयर वर्ड के बाद हमने क्या लगाया एक आप ये बताएं एक सब्जेक्ट लगाया अगेन देखो अगेन ये सब्जेक्ट आया अब ये बताएं कि जो कंपेयर वर्ड है कंपेयर वर्ड क्या क्या हो सकता है तो आपको बताया गया कंपेयर वर्ड या तो समली का यूज कर सकते हैं एस एज या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर सीडी के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या दायन लगा सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं अब देखो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि एज वेल एज हमने क्या किया एज एक आपको एज एज लगाया उसके बीच में एक एडवर्ब लगा दिया फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि एज मच एज भी कह सकते हैं अगर आप इसे ऐसा कह सकते हैं तो अब देखो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि फीवर देन अब फीवर एक कंपरेटिव डिग्री हो गया देन लगा के यानी कंपेयर करने वाले वर्ड हो जाएंगे कंपाउंड वर्ड हो जाएंगे फिर हमने कहा कि आप इसे मोर देन आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि मोर एक एकटिव डिग्री होगा देन कंपेयर करने वाला वर्ड लेस देन आप ऐसा भी इसे लिख सकते हैं अब इसमें एक बात आप और समझ लेना आप ये कह लेना कि सर जो वर्ब का इसके बाद अगर मान लो कभी वे वर्ब आ जाए तो आप देख रहे थे कि आप बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं जो यहां पर सब्जेक्ट था आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे थे तो आप क्या कहेंगे किसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा इसके बाद जो वर्ब आएगा वो आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा अगर आपको ये बात समझ में आ गई जो कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया सब्जेक्ट लिखे कंपेयर करने वाला वर्ड लिखे अगेन एक सब्जेक्ट लिखे हमने क्या लिखा सब्जेक्ट लिखा कंपेयर करने वाला वर्ड था अगेन सब्जेक्ट लिखा अगर बाय द वे इसके बाद कभी वर्ब आ जाए तो वर्ब आप इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे थे इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा रहे थे तो वर्ब आप आप पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे फिर आप ये बताएं कंपेयर करने वाला वर्ड कैसे बना सकते हैं तो एज एजें का यूज करके या कंपेटिव डिग्री यानी सी और दैन का यूज करके कंपेयर करने वाला वर्ड आप बना रहे थे कैसे तो आप कहेंगे सर एज वेल एज एज मच एज फीवर देन मोर देन लेस देन आप ऐसे बना रहे थे अब समझो आप सभी यहां पर हमने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा कि अब समझना हमने कहा ये एक क्या हो गई वर्ब हो गई वर्ब से पहले जो आया वो आपका क्या होगा सब्जेक्ट होगा अब इसका जो कंपेयर कर रहे हैं वो आप मी से कंपेयर कर रहे हैं अगर इस ही का कंपेयर मी से कर रहे हैं और मी अगर सब्जेक्ट है तो आप सबने पढ़ा है सेम पर्सन आर कंपेयर सेम केस आर कंपेयर सेम थिंग्स आर यानी समान में ही कंपेरिजन शो कराया जा सकता है तो आप कहेंगे सर पर तो ये सब्जेक्ट है बट मी तो यहां पर ऑब्जेक्ट है आप अगर मी ऑब्जेक्ट है तो ऐसा करें अगर कंपेयर करना है तो आप क्या लगा दीजिए आई लगा दीजिए या फिर सुनो एक सवाल हमने इस प्रकार से लिख दिया कि मोर देन मी ज टैलेंटेड नहींड अब सुनो यहां पर ऐसे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं तो हमने कहा मोर देन मी एम टैलेंटेड अब सुनो यहां पर अब आपने कहा कि ये एक सब्जेक्ट हुआ कंपेयर करने वाला वर्ड यहां पर आया अब ही का कंपेयर हम मी से कर रहे हैं अब ही एक सब्जेक्ट है मी तो एक ऑब्जेक्ट है अब सेम थिंग सेम पर्सन सेम सेम केस आर तो आप कहेंगे सर यहां पर मी नहीं आपको क्या करना पड़ेगा आई अब जो आप आगे वर्ब लगा रहे थे तो आप कहेंगे सर आप पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे थे मतलब ही के अकॉर्डिंग लगा रहे थे अगर आप ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना चाहें तो एम नहीं आप क्या लगाओगे यहां पर इज लगाओगे यानी ही मोर देन आई इज टैलेंटेड ही मोर देन आई टैलेंटेड तो अब आप ये बताएं कि आपको ये हमने क्या बताया एक बेसिक बताया अब इसी को आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि और अगर कोई प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रखना इस प्रकार से आपने रटा होगा क्यों सब्जेक्टिव केस आता है रीजन क्या है सब्जेक्टिव केस आने के पीछे ये चीज मैंने आपको सिखाया कि सब्जेक्टिव केस आखिर आता क्यों है रीजन क्या है के बाद सब्जेक्टिव केस ही आएगा तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो जो कि आपको समझ में आ गई हो आ गई है अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो जल्दी से आप सभी इसे नोट कर डालो और फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं ये कॉन्सेप्ट है आपका चलो आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब अगर आ, सर जी सीट कैसे मिलेगी मोहम्मद आसिफ आप इंग्लिश बाय सुशील सर स्पीड चैनल पर सुशील एस यू एस एस डब्ल्यूएल ठीक है देखो आपको आ, यहां पर लिखा भी हुआ है वीडियो में देख लो इंग्लिश बाय सुशील सर द स्पीड इंग्लिश बाय लिख लेना सुशील सर द स्पीड तो टेलीग्राम चैनल आपको आ जाएगा वहां पर आपको प्रोनाउन एडवांस के नाम से शीट है वहां पर आपको शीट मिल जाएगी ठीक है ना चलो अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो अब आ जाओ क्वेश्चंस पर अच्छा इसमें देख लो हमने हमने क्या समझाया हमने आपको समझाया आपको यही कि आ, सेम थिंग सेम थिंग्स आर आर कंपेयर्ड कंपेयर्ड किस पर, किस प्रकार से किस टाइप से कंपेयर किया जा रहा था हमने आपको यह समझाया और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लग रही हमने आपको यह बात समझाया अब आ जाओ क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर कमेंट करें जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर कमेंट करें जल्दी से फास्ट सभी बच्चे सभी बच्चे फास्ट कमेंट करें क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का सभी बच्चे आंसर कमेंट करें किसी का कोई जवाब नहीं आया अभी तक जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर सभी का रहा है कि देन आई बहुत सही अब देखो आप ये कहोगे कि सर ही अगर इसकी बात करें तो इसे एक वर्ब हुआ वर्ब से पहले जो आया वो सब्जेक्ट हुआ अब ही का कंपेयर आप मी के साथ कर रहे हैं ही चूंकि एक सब्जेक्ट है और मी कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं मी एक ऑब्जेक्ट होता और आप कहेंगे सर इसका सब्जेक्ट क्या होता है आई तो आप क्या लगा लोगे यहां पर आई क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का आंसर कमेंट करें जल्दी से क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का आंसर कमेंट करें क्या बनेगा ही एज वेल एज मी आर एक्सपेक्टेड टू डू इट ही एज वेल एज मी आर एक्सपेक्टेड टू डू इट क्या बनेगा आंसर तो आप यहां पे कहोगे कि सर हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर करने वाला वर्ड ये है और कंपेयर ही का कंपेयर हम मी के साथ कर रहे हैं यानी मी नहीं यहां पर आई होगा और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे तो यहां आर नहीं क्या लगाएंगे एम लगाएंगे फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर फोर्टी हाँ आई और इज बहुत आई और सॉरी एम क्यों लगाएंगे यार एम मैंने गलत कर दिया है नहीं लगेगा ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इज लगेगा तो आई और इज बहुत सही क्वेश्चन नंबर फोर्टी का आंसर बताएं, कितने बच्चे बता रहे हैं वर्तिका मोहम्मद जल्दी से बताएं और इज अमन कुमार कह रहे हैं He or is. He or आ, ही और आर, अमन कुमार कह रहे हैं रोहित आनंद ही और आर कह रहे हैं अनुच प्रताप सिंह यादव इज कह रहे हैं अनुर आर कह रहे हैं समझिए आप सभी मेरी बात को हमने लिखा यू मोर देन हिम इज एक्सपीरियंसड आप सुनो हमने कहा कि ये कंपेयर करने वाला वर्ड हो गया तो ये आपका एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद इसका कंपेयर इससे कर रहे हैं तो अब इसका सब्जेक्ट ही बनाएंगे आप अब आप यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे यहां पर इस नहीं क्या होगा आर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का आंसर कमेंट करें जल्दी से संजीव इज मोर एक्सपीरियंस्ड हर संजीव इज मोर एक्सपीरियंस्ड हर जल्दी से कमेंट करें संजीव इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन हर जल्दी से कमेंट करें आंसर क्या होगा देन सी बिल्कुल ठीक है आप देखो आप यह कहेंगे कि यह एक क्या हुआ वर्ब हुआ वर्ब से पहले जो आया वो क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ अब इस सब्जेक्ट का कंपेयर आप किसके साथ कर रहे हैं हर के साथ तो आप कहेंगे सर हर गलत होगा अगर वो सब्जेक्ट है तो यहां भी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी, फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू बताए हाँ ठीक है सही है फोर्टी वन वर्तिका रोहित अमन कुमार मोहम्मद आशिफ अर्णब दुबेदी फोर्टी टू सही है दे हैज हाँ ठीक है अब आप कहेंगे सर कंपेयर करने वाला वर्ड ये हो गया अब रानी का कंपेयर आप किसके साथ कर रहे हैं दम के साथ तो आप कहेंगे गलत होगा दे होगा अब रानी के अकॉर्डिंग यहां पर आप वर्ब लगाएंगे तो आप कहेंगे सर हैज होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ही एज वेल एज मी एम ऑनेस्ट तो आप कहेंगे कंपेयर करने वाला एज वेल एज हुआ वर्ड अब आप ही का कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं मी के साथ तो आप कहेंगे गलत होगा मी नहीं क्या होगा आई होगा और ही के अकॉर्डिंग आप क्या लगा दोगे यहां पर इज लगा दोगे ही इज टॉलर देन मी तो ही का कंपेयर आप मी के साथ कर रहे हैं तो मतलब आप गलत है आप क्या लगा देंगे यहां पर आई अगर ये सभी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर तक समझ में आ गए हो तो जल्दी से बताएं फिर आगे देखते हैं फोर्टी फाइव का चलो बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सही सभी को समझ में आ गया और ये क्लास रेगुलर सेवन पीएम पर लाइव होती है बच्चों आप सभी सेवन पीएम पर लाइव आ जाया करें बहुत अच्छा सभी को समझ में आ गया अगर ये बात सभी को समझ में आ गई तो आगे देखो ये कॉन्सेप्ट भी आपने लिख लिया होगा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखो आप अगर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव समझा जाए तो लिखा गया माय फ्रेंड इज एज ओल्ड एज हिम अब आप कहेंगे माय फ्रेंड एक सब्जेक्ट होगा यहां पर और इसका कंपेयर आप हिम के साथ कर रहे हैं तो हिम गलत होगा क्या लगाएंगे आप ही लगाएंगे अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का आंसर बताएं क्या होगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का आंसर बताएं आप सही बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का आंसर क्या होगा जल्दी से फोर्टी फाइव सभी का सही है फोर्टी सिक्स बताए फोर्टी सिक्स बताए रोहित आनंद करें हंड्रेड परसेंट करेक्ट वेरी गुड फोर्टी सिक्स का आंसर कमेंट करें सवाल को समझे पहले ही नोज देम मच बेटर देन मी ऑब्लिक आई क्या सही होगा मी सही होगा या फिर आई सही होगा He knows them much better than me oblique I. He knows them much better than me oblique I. kya lagayenge aap He knows them much better than me oblique I. इसमें आ रहा है अनुच प्रताप सिंह यादव I कह रहे हैं, अनुराग द्विवेदी I कह रहे हैं और बच्चे बताएं आंसर। चिंटू चलाए इंस्पेक्टर बनने तो भैया अच्छी बात है यार चलो आपने ये बात समझ ली अगर आपने ये बात समझ ली तो अब सुनो मेरी बात को हमने लिखा ही नोज दैम मच बेटर देन मी ऑब्लिक आई यहां पर मी कहना भी ठीक होगा आई कहना भी ठीक होगा बट इस बात को समझना पड़ेगा कि क्यों कहना ठीक होगा रीजन क्या है फिर अभी तक तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे थे तो अब सुनो सवाल ये लिखा गया बस सवाल चेंज है क्वेश्चन चेंज है ही नोज मच बेटर देन मी हमने कह दिया ही नाम का एक पर्सन है जो देम को भी जानता है और मी को भी जानता है हमने कह दिया ही नाम का एक पर्सन है जो देम को भी जानता है और मी को भी जानता है अब ही कहता है कि ही जो है मी नाम के पर्सन के कंपेयर में देम को अधिक जानता है मतलब आप ये बताएं इस केस में आप कह पाएंगे कि मी और देम का कंपेयर हो रहा है अगर मी और देम अच्छा ये जान दोनों को रहा है और देम और मी के बीच में कंपेयर हो रहा है अगर देम और मी के बीच में कंपेयर हो रहा है तो इस केस में मी कहना ठीक है अब फिर दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि ही और आई नाम के दो पर्सन हैं जो देम को जानते हैं अब है क्या कि यहां पर ही के कंपेयर में आई के कंपेयर में दम को ही अधिक जान रहा है आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई के कंपेयर में देम को ही अधिक जान रहा है आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो आप क्या कहेंगे कि अब यहां पर कंपेयर तो हम लोग ही के साथ आई को कर रहे हैं अब यहां पर कंपेयर ही के साथ आई के आई को कर रहे हैं और यहां पर यदि आप कंपेयर ही के साथ आई को कर रहे हैं मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर हो तो यहां पर मी ठीक है अगर सब्जेक्ट के साथ कंपेयर हो तो यहां पर आई से ही मतलब आपने पढ़ा है सेम थिंग्स आर कंपेयर और दोनों चीज पॉसिबल है भी यहां पर और दोनों चीज यहां पर पॉसिबल है भी तो अगर दोनों बात आपके लिए पॉसिबल है तो आप कहेंगे दोनों बात बिल्कुल सही है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अगर आप सभी को समझ में आ गया तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन भी है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्या है देखो हमने लिखा कि आई लव हिम अगर आपने कहा कि अगर आई का कंपेयर ही के साथ हो रहा है तो ये ठीक है और अगर यू का कंपेयर हिम के साथ हो रहा है तो ये भी सही है मतलब दोनों बात कहना बिल्कुल जस्टिफाई की जा सकती है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट भी सही है कोई गलती नहीं है मतलब दोनों बात सही है कैसे सही है अगर c का कंपेयर मैं i के साथ कर रहा हूं तो ठीक है और u का कंपेयर अगर m के साथ u एक ऑब्जेक्ट होता है अगर u के कयू u यहां पर एक ऑब्जेक्ट है अगर u का कंपेयर m के साथ कर रहा हूं तो भी सही मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 46 47 48 ये तीनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं पहले तो ये बताया चिंटू चिंटू चला इंस्पेक्टर बनने आपकी सैलरी कितनी है मेरी सैलरी है मेरी सैलरी आप जान करके क्या करोगे यार तुम पढ़ने आए हो या फिर चुतियापा करने हा पढ़ना है तो पढ़ो चुतियापा नहीं करो चलो अब देखो आगे देखिए आप चिंटू आप मेरे से बात कर लेना बैंक की नौकरी छोड़कर क्या आया हूं आप बात कर लेना समझ में आ जाएगा कौन एसएससी की निकाला है कौन नहीं निकाला है ठीक है चिंटू और चिंटू आप पढ़ाई करो ज्यादा बेहतर होगा मूर्खता मत करो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पर आ जाए नहीं, झाड़ू भी लगाने वाली नौकरी नहीं मिलने वाली पढ़ाई करो ठीक है ना चलो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हम सभी अब सुनो मेरी बात को अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्या आप फोर्टी नाइन का जवाब दे सकते हैं दे हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर देन यू हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर देन यू अब बताएं क्या होगा भैया सैलरी जान करके क्या करोगे आपको एसएससी फील्ड का डॉन बनना है तो आप डॉन नहीं आप अंडर वर्ल्ड डॉन बनिए बहुत अच्छी बात है ठीक है तो बहुत अच्छी बात है आप इंस्पेक्टर बनिए अगर इंस्पेक्टर बनना है या फिर जो बनना है वो बनिए लेकिन अभी यहां पर पढ़ाई करिए यहां पर मूर्खता बनाई करिए अदरवाइज अब कमेंट आएगा मूर्खतापूर्ण तो मैं ब्लॉक कर दूंगा ठीक है मेरे पास ये भी अथॉरिटी है ब्लॉक करने की दे हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली देन यू इस क्वेश्चन को बताएं ये क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा यू के बाद हैव रोहित आनंद कह रहे हैं यू के बाद हैव होगा क्यों होगा भैया हैव चलो 49 नाइन वर्तिका यादव कह रहे हैं सही है रॉबिन बंसल कह रहे हैं। सॉरी रोहित बंसल कह रहे हैं बहुत सही है और बच्चे बताएं। फोर्टी नाइन गलत है अनुज अब देखो यहां पर आप सभी समझो अगर आपने अब तक पढ़ा होगा तो पर्सनल प्रोनाउन में आपने क्या पढ़ा होगा देखो पर्सनल प्रोनाउन में आपने इस बात को पढ़ा कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन टोटल सेवन है पर्सनल प्रोनाउन टोटल कितने हैं सेवन है तो आप कहो पर्सनल प्रोनाउन टोटल कितने हो गए सेवन हो गए कौन कौन से तो आई का सब्जेक्ट आई सब्जेक्टिव केस इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है वी सब्जेक्टिव केस है इसका ऑब्जेक्टिव केस अस है ही सब्जेक्टिव केस है इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है सी सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस हर है दे सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस क्या है Them. लेकिन आप ये बताएं इनका तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्लियर है कि इनका सब्जेक्टिव केस क्या है ऑब्जेक्टिव केस क्या है ये बात तो क्लियर है लेकिन इट आप जानते होंगे कि इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम है इसी तरह से यू का भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है तो आप एक बात समझो कि अगर यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है तो अगर हमने यहां पर यू लिखा अभी तक देखो मैं क्या लिख रहा था आई लिख रहा था आई से आपको क्लियर है कि हाँ ये किसके साथ कंपेयर कर रहा होगा मी लिख रहा था तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहा होगा अगर मैं यहां पर ही लिखा तो आपको क्लियर है कि आपको सब्जेक्ट के साथ मतलब माई फ्रेंड के साथ कंपेयर हो रहा है अब आप ये बताइए यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन देखो क्या लिखा गया है ये चलो अब देखो फोर्टी नाइन देखो क्या लिखा गया है दे हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली देन यू यानी उन्होंने आपकी अपेक्षा किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के बढ़िया से एक्सप्लेन किया अब समझो यहां पर चिंटो यार आपको जो बात करनी होगी बात कर लेना माइंड मत करो पढ़ाने दो क्योंकि एक अच्छा सा ग्रामर का पॉइंट है ये पढ़ाने दो दे हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली देन यू अब यहां पर आप समझो यहां पर हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन टोटल आपके सेवन है सेवन में फाइव प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनका डिफरेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है अब मैंने आपको यहां पर ये लिखा कि दे आप बताएं, आपको अगर किसी भी पर्सन को मैंने ये सेंटेंस दे दिया तो वो पर्सन ये समझ नहीं पाएगा कि यहां पर यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है उसे समझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लियर करना पड़ेगा कि वो पर्सन समझ जाए जिस प्रकार से आई देखो आई आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा सब्जेक्टिव है मी समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव है फिर आपको ही समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव है हिम समझ में आ जाएगा कि ही सब्जेक्टिव और हिम ऑब्जेक्टिव है बट यू आपको समझ में नहीं आएगा ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका कंपेयर द कॉन्सेप्ट से करेंगे अगर ये सब्जेक्टिव है तो इसका कंपेयर दे से करेंगे अब देखो आपने एक बात पढ़ा है सेम थिंग्स आर सेम पर्सन आर कंपेयर्ड अब आप ये बताएं कि अगर यू अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट है तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप कॉन्सेप्ट के साथ तो कंपेयर कर नहीं पाओगे क्योंकि सेम सेम पर्सन एंड थिंग्स थिंग्स आर ऑब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग है तो आप कहोगे सर यू का कंपेयर हम किसके साथ कर पाएंगे दे के साथ मतलब यू यहां पर एक सब्जेक्ट है लेकिन अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये बात आपकी क्लियर हो जाए अब आप ऐसा क्या करें कि ये वाली बात आपकी क्लियर हो जाए तो आप ऐसा करिए किसके बाद क्या लगा दीजिए एक वर्ब लगा दीजिए हमने क्या लगा दिया हैव लगा दिया अब हैव क्यों लगा दिया तो आपने हो सकता है पहले कभी ना कभी इस बात को पढ़ा होगा जैसे एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा कि आई एम एज स्ट्रोंग एज एज स्ट्रोंग एज ही तो आपने हो सकता है कभी पढ़ा होगा ही इज अब देखो इसके बाद इज इस क्यों लिखा जाता है मेरी बात को सुनो इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि एज की बात करें तो एज यहां पर एक कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है यहां पर वर्ब क्यों नहीं लिखा जाता है इसी वजह से नहीं लिखा जाता रीजन यही है कि इंग्लिश में जो बात अंडरस्टूड होती है उसको अगेन लिखने की जरूरत नहीं होती अब ये बात अंडरस्टूड है कि भैया ही है तो ही एक सब्जेक्ट ही होगा इसके बाद वर्ब ही आया होगा जो लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती थी बट यहां पर आपको आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि अगर आप यू के अगर कभी यू हो और यू से कंपेयर हो रहा है अगर कभी यू हो तो यू के बाद आपको वर्ब लिखने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि ये बात कंफ्यूजिंग है कि सब्जेक्ट यहां पर ये यह ऑब्जेक्ट है इस वजह से मुझे क्या लिखना पड़ा हैव लिखना पड़ा तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन को आप सही कर सकते हैं एक वर्ब लगा करके क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ये छिंटू यार तुम पीके के साथ आए थे क्या मुझे लगता है कि उसका जुड़वा भाई हो यार तुम पीके पीके होगा बोलो बड़े कार्टूनी टाइप के बच्चे हैं सब चलो अब देखो आप सभी अब आपको ये बात अगर समझ में आई हो अगर ये बात देखो आप सभी अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो नहीं पढ़ सकते हो तो मुझे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं मुझे उसे नहीं पढ़ाना और मैं सबको पढ़ा भी नहीं सकता हूं मैं कुछ ही को पढ़ा सकता हूं जो यहां पर होंगे ठीक है जो पढ़ना चाहेंगे मेरे से हर टीचर हर किसी को नहीं पढ़ा सकता और ना ही हर स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ सकता है यार आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कहीं भी आप पढ़ सकते हो बट uh, यहां पर क्या है मुझे पढ़ाना है जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार उन्हें मुझे बढ़िया से पढ़ाना है और ये पेड बैच है मैंने अभी यूट्यूब पे लाइव जरूर कर दिया है कल तक लाइव रहेगा कल के बाद लाइव नहीं रहेगा ठीक है ना तो आप सभी परेशान मत हो चलो देखो आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन समझ में आई नहीं आई ये बता दीजिए सर आप अब एप्लीकेशन पर पढ़ाएं हाँ ठीक है रोहित आनंद वही लग भी रहा है कल और पढ़ा देता हूं कल के बाद एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूं ठीक है ना अब आप ये बताएं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आपको समझ में आ गया नहीं आ गया हमने यहां पर आखिर इसके बाद वर्ब क्यों लगाया बाकी के बाद वर्ब हम नहीं लगा रहे थे फिर भी सही था यहां पर हमने हैव क्यों लगाया वर्ब आपको ये बात समझ में आई अगर ये बात समझ माई तो जल्दी से कमेंट करके बताएं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काजल अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आपकेशन पर जाइए वहां पर एस वाले कोर्स में जाइए वहां पर इंडिविजुअल इंग्लिश केवल वन थाउजेंड फीस है इसकी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो ठीक है ना चलो समझ में आ गया बहुत सही अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का आंसर बताइए देखिए आप समझिए मैं मैं समझाता हूं चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा फिफ्टी हमने कहा प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हमने कहा इस सीट को उस व्यक्ति को ऑफर कर दीजिए हु नीड सीट मोर देन यू अब देखो आप यहां पर समझो ये क्या हुआ आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ये एक क्या हुआ रिलेटिव प्रोनाउन हुआ अब आप ये बताएं कि अगर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आएगा वो एंटीसीडेंट कहा जाएगा वो एंटीसीडेंट कहा जाएगा तो आप कहेंगे सर ये तो एंटीसीडेंट हुआ अच्छा आप सब जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई भी जेंडर अपना पर्सन नंबर जेंडर केस नहीं होता है तो आप कहोगे रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई पर्सन नंबर जेंडर केस नहीं होता है तो आप कहेंगे तो फिर क्या होता है तो आप कहेंगे सर जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट होगा उस जो उस एंटीसीडेंट का पर्सन नंबर जेंडर केस होगा वही रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन नंबर जेंडर केस होता है मतलब अगर समवन यहां पर है तो समवन सिंगुलर है तो हु भी सिंगुलर होगा कोई पर्सन है तो हु भी पर्सन होगा थर्ड पर्सन है तो भी क्या होगा थर्ड पर्सन होगा तो कुल मिलाकर के अगर जो इसके एंटीसीडेंट जो होगा वही रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है यानी अगर इनडायरेक्टली कहना चाहे तो आप कहेंगे सर ये समवन हु का इनडायरेक्टली कहना चाहे तो आप कह सकते हैं कि हु जो है हु का मतलब यहां संबंध है आप ऐसा कह सकते हैं हु का मतलब यहां पर क्या है संबंध है आप सुनो अगर ये हु का मतलब संबंध है तो अब आप ये बताएं क्वेश्चन क्या सही है आपने आंसर नहीं दिया आ, आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में बात करें तो उसमें केवल और केवल एरर्स दिया गया है और एरर्स के बाद उसमें कई सारे एरर्स दिए गए अगर वो सभी सॉल्व कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और वीके सिन्हा भी अच्छी बुक है आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चिंटू ठीक है ना अब तुम सही क्वेश्चन पूछे अब तुम सही लाइन पे आ गए ना रग लग रहा है चलो अब देखिए अब आपकी ये बात बिल्कुल गलत है अब गलत क्यों है क्योंकि आप कहेंगे हु का मतलब यहां हुआ समवन और इट का मतलब यहां पर हुआ क्या सीट हुआ इट का मतलब सीट हुआ अब आप ये बताएं यू का कंपेयर आप इस इट से तो कर नहीं पाएंगे ऑब्जेक्ट से आप किससे कर पाएंगे आप कहेंगे सर हु से कर पाएंगे हु क्या है सब्जेक्ट है मतलब ये भी सब्जेक्ट होगा लेकिन आपको सब्जेक्ट दिखाने के लिए सब्जेक्ट को क्लियर तो करना ही पड़ेगा अगर क्लियर करना पड़ेगा तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप यहां भी एक वर्ब लगा दीजिए डू और इसे भी बना दीजिए क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए हो फोर्टी नाइन और फिफ्टी अगर ये दोनों सवाल समझ में आ गए हो तो एक बार थम्सअप करके जल्दी से बताएं चलो कर लिया आपने हा बिल्कुल ठीक है बहुत सही हु से कंपेयर हो रहा रोहित आनंद अब अगर आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए हो तो एक बार थम्सअप करके बताएं फिर आगे सवाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्टी वन नंबर का क्वेश्चन है। एक बार क्या आप सभी आंसर बताएंगे देखो मैं बताता हूं आई लाइक माई पेरेंट्स आर इनवाइटेड देयर अभी तक देखा जाए तो हम सभी ने एक बात पढ़े होते हैं कि जो लाइक like है वो केवल एक वर्ब है हम सभी अभी तक यही पढ़े होते हैं कि लाइक like एक वर्ब है लेकिन बेटा ऐसा नहीं है लाइक like एक वर्ब तो है ही और वर्ब के साथ साथ ये एक प्रेपोजिशन भी कहा जाता है तो आप ये कहना कि सर लाइक तो एक वर्ब है ही लाइक एक वर्ब है अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है पसंद करना यानी टू लव और लाइक एक प्रेपोजिशन भी है और लाइक एक प्रेपोजिशन भी है अगर ये प्रेपोजिशन है तो आप कहना सर ये सिमिलरिटी की प्रेपोजिशन कही जाती है किसकी तो आप कहना सर ये सिमिलरिटी की प्रेपोजिशन कही जाती है? मतलब ये सिमिलरिटी की प्रेपोजिशन होती है तो लाइक एक वर्ब है और लाइक एक प्रपोजिशन भी है आप इस बात का ख्याल रखना ठीक है ना अब सुनो मेरे बात यहां पे क्वेश्चन हमने कहा like अब आपके पास सबके पास सबके पहला जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि लाइक एक यहां पर एक वर्ब है चलो एज अ वर्ब आप सभी इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या ये वर्ब हो सकता है या नहीं हमने कह दिया ये एक वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट आई है फिर और आर भी एक वर्ब है तो इस आर का सब्जेक्ट माई पेरेंट्स है अब ये बताएं कि एक क्लॉज ये हो गई और दूसरी क्लॉज यहां से लेके यहां तक हो गई अच्छा क्लॉज किसे कहते हैं इस बात को देख लो तो आप कहना सर क्लॉज उस वर्ड को कहा जाता है क्लॉज उस वर्ड को कहा क्लॉज उसे कहा जाता है जो सेंटेंस का पार्ट होता है और जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो आप उसे क्लॉज कहिएगा मतलब आप लिख सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ अ अन्टेंस पार्ट ऑफ अंटेंस दैट हैज अब्जेक्ट एंड अ वर्ब मतलब सेंटेंस का एक पार्ट हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो सेंटेंस का एक पार्ट हो और जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो आप उसे क्लॉज कहिएगा अच्छा इंग्लिश में एक व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी दो चीजें हैं तो उन दो चीजों को जोड़ने के लिए मुझे चाहिए क्या, क्या? कंजंक्शन तो हमने कह दिया एक क्लॉज तो आई लाइक हो गई दूसरी क्लॉज माई पेरेंट्स आर देयर ये दो क्लॉज हो गई अब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए चाहिए कंजंक्शन जो कि यहां पर दिया नहीं है आप कहेंगे सर ये गलत है फिर अब अगर ये गलत है मतलब ये है है कि लाइक लाइक लगाना लाएक वर्ब कहना यहां पर गलत है। दूसरी बात भी गलत है क्योंकि लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है और अपने एक्शन को ये आगे ट्रांजिट करेगी अगर अपने एक्शन को ये आगे ट्रांजिट करेगी तो आपने कह लिया कि आपने इस बार मान लिया कि सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गया और इस वर्ब का ये माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया आपने कह लिया कि आई लाइक माई पेरेंट्स अगर इसी सेंटेंस को मैं अलग से लिख दू कि आई लाइक माई पेरेंट्स तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ठीक लिखा गया मैं अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को पसंद करता हूं बिल्कुल सही इसमें कोई भी गलती नहीं तो आई लाइक माई पेरेंट्स कहना बिल्कुल सही है इसमें कोई भी गलती नहीं है तो आप कहेंगे सर ये तो फिर सही है लेकिन अब यहां पे बात किया ना आई लाइक पेरेंट्स इतना तो ठीक है बट ये आर एक वर्ब है अब इस वर्ब के लिए मुझे सब्जेक्ट चाहिए अब माय पेरेंट्स जो इस वर्ब का क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया मतलब इस आर का सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता आई भी इस आर का सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये लाइक like का सब्जेक्ट है मतलब कहेंगे लाइक like जो है वर्ब यहां पर किसी भी तरह से नहीं हो सकता अब अगर लाइक like यहां पर किसी भी तरह से वर्ब नहीं हो सकता तो अब कहेंगे सर फिर लाइक like यहां पर क्या है तो आप कहना आप प्रीपोजिशन अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये हुआ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इतना हुआ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अब आपके लिए आर वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा तो आप कहेंगे सर आई होगा अगर आई आर वर्ब का सब्जेक्ट है तो आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगा लेंगे यहां पर एम लगा लेंगे क्या ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन आपको समझ में आया जल्दी से बताएं आप सभी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते बनी पटेल थैंक यू बनी आई के अकॉर्डिंग हम रोहित आनंद बिल्कुल ठीक है चलो आई लाइक माई पेरेंट्स am invited देयर अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो जल्दी से बताएं। अच्छा आप सभी को एडमिशन लेना है तो आप द स्पीड एप्लीकेशन पे आप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से और वहां पर आप एसएससी वाले सेक्शन में जाइए वहां पर आपको इंडिविजुअल इंग्लिश का कोर्स मिलेगा वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आई लाइक माई पेरेंट्स आम इनवाइटेड देयर अगर ये सवाल समझ में आया तो बता दें जल्दी से चलो बहुत सही जी सर आया वेरी गुड तो अगर ये सवाल समझ में आया तो अब आगे के सवाल देखिएगा अच्छा आप लोग लिखने वाला काम ना अभी यहां पर देखो केवल समझा करो लिखने वाला काम जब क्लास खत्म हो जाया करे तो फिर आप लोग बाद में लिख लिया करें अपना वीडियो अपना अपना रोक रोक करके अगेन एक बार समझ करके देख लिया करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू का आंसर बताया फिर ही लाइक आई हैव डन द एमबीए अब ये पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है कल

तो अब 53 और 54 ये दोनों सेंटेंस सही है बट ये डेमो सेंटेंस है आगे 55 और 56 नंबर के सवाल को समझने के लिए ये एक डेमो सेंटेंस है आगे 55 और 56 नंबर के क्वेश्चन को समझने के लिए हमने डेमो सेंटेंस दिया है 53 और 54 समझिए थोड़ा सा 53 का मतलब क्या होगा देखो आप सभी जेनविन कमेंट ही किया करें जरूरत है तो जेनविन कमेंट करिए अदरवाइज जरूरत नहीं है तो कमेंट मत करिए बस बैठ करके बिल्कुल ध्यान से समझिए क्योंकि इंग्लिश को रटा नहीं जा सकता केवल समझा जरूर है जा सकता है क्योंकि एक भाषा है बच्चा ये भाषा है रटा नहीं जा सकता हमने कह दिया ही लाइक यू डज नॉट स्मोक आपने कहा कि वो आपके जैसा ही स्मोक नहीं करता ठीक है हमने कह दिया ही लाइक यू डज नॉट स्मोक अच्छा ये जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं ये केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही अप्लाई होगा हमने कह दिया ही लाइक यू नॉट स्मोक स्मोक यानी वो आपके जैसा नहीं करता मतलब आप ये कहेंगे कि जैसे आप स्मोक नहीं करते वैसे वो भी स्मोक नहीं करता यानी आप कहेंगे सर लाइक like, यहां पर जो है वो सिमिलरिटी की प्रेपोजिशन है यानी सिमिलरिटी की प्रेपोजिशन यानी आप ये कहेंगे कि ही लाइक यू डज नॉट स्मोक यानी जैसा आप स्मोक नहीं करते वैसा वो भी स्मोक नहीं करता सिमिलर है मतलब ही और यू दोनों स्मोक नहीं करते मतलब इसका ये होगा कि बोथ आर बोथ डू नॉट स्मोक यानी दोनों स्मोक नहीं करता बोथ डू नॉट स्मोक आप कहेंगे ना तो ही स्मोक करता और ना ही यू स्मोक करता सही है अब ये देखिए अब ये देखिए आप ये बात समझ में आई फिर आप देखिए 54 में तो मतलब ये सेंटेंस सही है अब 50 अच्छा इस, इसका जो मतलब होगा इसका मतलब है बोथ डो नॉट स्मोक यानी दोनों स्मोक नहीं करते बोथ डो नॉट स्मोक इसका मतलब होगा कि दोनों स्मोक नहीं करते ठीक है इसका मतलब ये होगा फिर हमने कहा ही डज नॉट स्मोक लाइक यू तो आपने कहा वो स्मोक नहीं करता आपके जैसा इसका मतलब ये होगा कि वो ही स्मोक नहीं करता आपके जैसा अगर लाइक एज अ प्रेपोजिशन किसी वर्ड अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस के प्रारंभ में लगाए वर्ब से पहले लगाए तो उसका मतलब सिमिलरिटी की होगा लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस में लाइक को उस नेगेटिव वर्ड के बाद लगाएं तो आप कहेंगे सर उसका सेंस बदल जाएगा और आप कहेंगे क्या होगा बट आप समझो इस बात को आप थोड़ा सा हमने कह दिया वो स्मोक नहीं करता ही डज नॉट स्मोक वो स्मोक नहीं करता लाइक like यू आपके जैसा मतलब आप स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं वो नहीं करता है इसका मतलब यही हुआ हमने कह दिया वो ही स्मोक नहीं करता आपकी जैसा इसका मतलब ये हुआ कि आप स्मोक करते हैं और वो ही स्मोक नहीं करता इसका मतलब ये होगा बच्चों कि यू स्मोक बट ही डज नॉट यानी वो स्मोक करता है सॉरी वो ही स्मोक नहीं करता लेकिन आप करते इसका मतलब ये होगा अब 53 और 54 दोनों सेंटेंस सही है अब ये दोनों सेंटेंस सही है किसे समझने के लिए हमने बताया 55 और 56 नंबर वाले क्वेश्चन को अब 55 का क्वेश्चन लिखा कि एनिमल्स लाइक ह्यूमंस कैन नॉट फ्लाई आप ये बताएं ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा एनिमल्स लाइक ह्यूमंस कैन नॉट फ्लाई आप कहेंगे कि एनिमल्स ह्यूमन के जैसे ही फ्लाई नहीं कर सकते तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है एनिमल भी फ्लाई नहीं करते ह्यूमन भी फ्लाई नहीं करते बिल्कुल सही है मतलब 55 नंबर का क्वेश्चन ठीक है लेकिन फिफ्टी सिक्स में समझें हमने ये कहा कि एनिमल्स लाइक वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई यानी एनिमल वर्ड्स की जैसी ही फ्लाई नहीं कर सकते आप कहेंगे सर ये वाली बात तो गलत है क्यों गलत है क्योंकि वर्ड्स भैया फ्लाई कर सकते हैं बट एनिमल फ्लाई नहीं कर सकते हालांकि हम सभी बचपन में एक खेल खेला करते थे अगर आप सभी को याद होगा तो खेल खेला करते थे चिड़िया उड़ कौवा उड़ हाथी उड़ हाथी भी घूड़ा दिया करते थे तो ये वही वाली बात है हमने कहा एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते एनिमल्स लाइक वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई यानी एनिमल फ्लाई नहीं कर सकते लेकिन वर्ड्स तो फ्लाई कर सकते हैं अगर वर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि सर अब ये बात तो कहना गलत है अगर ये बात कहना गलत है तो आप ऐसा करिए लाइक वर्ड्स को यहां से हटा करके अगर मैं लास्ट में लिख दू नेगेटिव सेंटेंस देखना थोड़ा सा अगर लाइक like वर्ड्स को यहां से हटा के मैं लास्ट में लिख दू तो आप कहेंगे कि एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई बट लाइक वर्ड्स यानी वर्ड्स जैसे तो आप कहेंगे कि मतलब वर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं लेकिन एनिमल फ्लाई नहीं कर सकते अब 56 नंबर वाला अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताया आप नंबर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताएं कि लाइक like वर्ड्स मैंने लास्ट में वहां से हटा करके क्यों लिखा अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताएं वेरी गुड रोहित आनंद बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन है रोहित आनंद आपका आप आनंद रहिए हमेशा आनंद में रहें बहुत ही वेरी गुड प्रदर्शन है आपका आ गया सर वेरी गुड बहुत अच्छी बात अब अगर ये बात आ गई तो 57 नंबर का सवाल समझो 57 में आप बताएं कोई एरर है या नहीं है चलो मैं बताता हूं देखिए हमने कहा एरर है अब ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं 57 टाइप का हमने कहा कि दे शुड वॉच गुड मूवीज यानी उन्हें अच्छी मूवीज देखनी चाहिए आप कहेंगे सर एक क्लॉज ये हो गया फिर आप कहेंगे लाइक यू डू अच्छा यहां पर यू के बाद डू हमने इस वजह से लगाया क्योंकि यू का कंपेयर मैं दे के साथ करना चाह रहा हूं मतलब यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप अच्छी मूवीज देखते हैं उन्हें भी अच्छी मूवीज देखना चाहिए आप ये बताएं ये क्लॉज वन हुआ और आप कहेंगे सर ये क्लॉज टू हुआ क्लॉज वन और क्लास टू अब ये बताएं कि इंग्लिश में व्यवस्था की गई जोड़ने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा कंजंक्शन आप कहेंगे सर लाइक like तो कोई कंजंक्शन है नहीं मतलब लाइक like गलत है क्योंकि क्यों नहीं है क्योंकि अभी देखो हमने आपको बताया कि लाइक like क्या है एक वर्ब है और एक प्रेपोजिशन है जोड़ने के लिए चाहिए कंजंक्शन अच्छा वहां पर कंपेयर हो रहा है तो आप कहेंगे सर कंपेयर वाला कंजंक्शन चाहिए अगर कंपेयर वाला कंजंक्शन चाहिए तो अब देखो समझो थोड़ा सा एच को अगर आप एच को समझें तो ऐस एक, 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 एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है अगर ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री काम क्या करता है हालांकि ये एडवर्ब में अगेन मैं आपको बेहतर समझाऊंगा क्या होता है तो थोड़ा समझिएगा रोहित आनंद बिल्कुल ठीक है लाइक की जगह एज चलो आप समझिएगा हमने कहा एज एक ऑफ डिग्री है और एडवर्ब ऑफ डिग्री काम क्या करता है जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताएगा उसके ठीक पहले आता है मतलब एज इस टाइप से आएगा एज आएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब लगेगा यह एज इस टाइप से यूज किया जाएगा एडवर्ब एडवर्ब अच्छा के साथ साथ एक भी है अगर एज एक कंजंक्शन तो यह दो टाइप का कंजंक्शन कहा जाता है आप कहना कि सर ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना करने के काम में भी आएगा और कंजंक्शन ऑफ रीजन यानी कारण बताने के काम में भी आएगा दो टाइप का कंजंक्शन होता है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन और कंजंक्शन ऑफ रीजन अगर एक है तभी ये कंजंक्शन ऑफ रीजन है तब ये बिकॉज को रिप्लेस करने का काम करता है मतलब इसका मतलब क्या होता है बिकॉज अच्छा एस की बात करें तो एज एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है आगे हम लोग प्रोनाउन में प्रोनाउन सीख ही रहे हैं तो आगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन ये है जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो कभी सब्जेक्ट का काम करेगा तो कहना कभी ऑब्जेक्ट का काम करेगा या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा मतलब एक रिलेटिव प्रणाउन भी है यानी एक प्रणाउन भी आप ये कह लेना अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो जो कि आपने लिख लिया होगा कि एज एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है अगर एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो एज के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा एज एक कंजंक्शन है अगर कंजंक्शन है तो दो टाइप का कंजंक्शन होता है कंजंक्शन ऑफ कंपेरिजन और कंजंक्शन ऑफ रीजन कंजंक्शन ऑफ रीजन जब ये कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है तो बिकॉज को रिप्लेस का तब इसका मतलब होता है क्योंकि और बिकॉज को रिप्लेस का काम बिकॉज का, को रिप्लेस करने का काम काम करता करता है 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 तो का 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 है एज एक एक रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन अगर ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो देखो हमने कहा एक क्लॉज ये थी एक क्लॉज ये थी अब चूंकि इनमें कंपेयर हो रहा था यानी आप जैसे अच्छी मूवीज देखते हैं वैसे उन्हें भी अच्छी मूवीज देखना चाहिए तो आप कहेंगे लाइक तो एक प्रेपोजिशन और एक वर्ब है आपको ये लाइक नहीं लगेगा क्या लगेगा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन की तरह एज लगेगा यहां पर अब अगर आपको यहां पर एज समझ में आ गया तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि लाइक और एज में क्या डिफरेंसेस है कई बार सवाल पूछा जाता है लाइक और एज को लेकर के आपके प्रोनाउंस से सवाल कई बार बनते हैं हां ठीक है रोहित मैं इस पीपीटी को ही आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा ठीक है ना कल भर क्लास और आपको चलेगी यहां पर क्या कहते हैं यूट्यूब पर और कल के बाद क्लास मंडे से अप्लीकेशन पर क्लास चलेगी और ये जो पीपीटी है जो मैं आपको लिख रहा हूं ये पीपीटी मैं जब लास्ट हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट पीपीटी में आपको अवेलेबल करवा दूंगा ठीक है ना क्या लिख रहे हैं भैया यूपीपी लवर विनीत कुमार यूपी फुट्टी बहराइच गुड इवनिंग भैया आप यूपीपी लवर है और इंग्लिश पढ़ने आए हैं चलो आपको ये बात समझ में आ गई अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको यह वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेवन का समझ में आ गया अगर फिफ्टी सेवन का समझ में आ गया तो आप बताए फिफ्टी एट में लुक लगाए सॉरी एज लगाएं या लाइक लगाए तो अब समझना एक थोड़ा सा और समझ लेना वर्ब होती है बच्चों दो टाइप की। एक होती है लिंकिंग वर्ब एक, एक होती है लिंकिंग वर्ब और एक होती है एक्शन वर्ब अगर लिंकिंग वर्ब है तो उसके साथ डेफिनेटली है क्या लगेगा लाइक like लगेगा ऐसा मैं आपकी थोड़ी मदद कर दू लाइक like लगेगा और एक्शन वर्ब है तो एज और लाइक दोनों लगा सकते हैं हालांकि कैसे एज भर केवल लगेगा वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा अब लिंकिंग वर्ब क्या कही जाती है तो सुनो आप कहना सर लिंकिंग वर्ब होती है कुछ होती है निश्चित आप उन्हें सुन लें एक तो बी होता है बी कहने का मतलब इज एम आर वॉज वर्ग फिर शीम होगा लुक होगा अपियर होगा अपियर होगा टेस्ट कहेंगे स्मेल कहेंगे और फील लिखेंगे गेट कहेंगे और साउंड कहेंगे ये आपकी क्या कही जाती है तो ये लिंकिंग वर्ब कही जाती है अच्छा बाकी इनको छोड़ करके जो होगा वो एक्शन वर्ब होगा एक्शन वर्ब मतलब ये एक्शन करता है लिंकिंग वर्ब या लिंक करने का काम करता है तो आप कहेंगे आप यहां पर जो लुक है वो आपकी क्या है एक लिंकिंग वर्ब है अगर लिंकिंग वर्ब है तो आप यहां पर क्या लगा दीजिएगा बिना सोचे हुए लाइक अब देखो यहां पर कोई ये श्याम अपने पिता के जैसा दिखता है इसमें श्याम ने तो कोई काम किया नहीं अगर श्याम अपने पिता के जैसा दिखता है, इस जैसा दिखता है तो इसमें श्याम ने तो श्याम कोई काम किया नहीं तो आप कहेंगे सर ये एक लिंकिंग वर्ब है लिंक करने का, का काम कर रहा है जोड़ने का, का काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब है अब अगर आपको ये 58 तक क्वेश्चन समझ में आ गया और इन बात को लिख लिया तो आगे सवाल देखो आगे सवाल हमारे पास कुछ और भी हैं क्वेश्चन नंबर 59 से अब 59 में क्वेश्चन देखो लिखा गया श्याम लॉफ डैस हिज फादर अब लाफ अगर कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है अगर एक्शन कर रहा है तो आप यहां पर अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एज और लाइक दोनों लगा सकते हैं लेकिन अगर इसी सवाल को मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया कि श्याम लाफ्स डैश हिज फादर इज हिज फादर डच हमने क्या श्याम वैसे हंसता है जैसे उसके पिता हंसते हैं अब आपने किया क्या एक क्लॉज देखो यहां पर हो गई एक क्लॉज यहां पर हो गई अगर मैंने क्लियर कर दिया तब की बात कर रहा हूं अगर मैंने क्लियर कर दिया कि उसके बाद एक वर्ब लगा दिया क्लियर कर दिया अगर मैंने क्लियर कर दिया तो इस केस में आप केवल क्या लगाना एज लगाना इस केस में केवल क्या लगाना एज लगाना इस केस में आपका नहीं लगेगा क्वेश्चन समझो यहां पर एक होता है वर्क हार्ड अगर हम वर्क हार्ड की बात करें तो आप यह कहना कि सर यह एक नाउन है और नाउन के बारे सॉरी 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 ये एक क्या हुआ वर्ब हुआ और वर्ब को जो एक्सप्लेन करेगा वो एडवर्ब होगा तो वर्क हार्ड ए मतलब कठोर परिश्रम करना अगर इसी को मैंने हार्ड वर्क लिख दिया तो आप कहना हार्ड वर्क क्या हो जाएगा तो आप कहना वर्क यहां पर नाउन है नाउन से पहले जो होगा वो एडजेक्टिव होगा कठिन परिश्रम एक होता है हार्ड वर्किंग होता है और वर्किंग को कहा जाता है क्या एक एडजेक्टिव मेहनती या परिश्रमी कहते हैं आप इसे ियस या परिश्रमी कहते हैं और एक होता है हार्ड वर्कर एक होता है अब की बात करें, तो ये कहा जाएगा हार्ड वर्कर कहेंगे कठोर परिश्रम करने वाला हार्डवर्कर कहा जाता है कठोर परिश्रम करने वाला हार्डवर्कर कहा जाता है अब आप ये बताएं हमने आपको ये बात सिखा दी कठोर परिश्रम करने वाला हार्ड वर्कर कहा जाता है अब देखो यहां पर अगर वर्किंग की बात करें तो आप कहना सर ये एक एक्शन वर्ब है वर्क यानी कोई ना कोई काम कर रहे हैं मतलब एक्ट कर रहे हैं एक्शन वर्ब है अगर आगे आर लिखा होता यू आर अगर आर आगे लिखा होता तो आप कहते केवल एज लगेगा लेकिन नहीं है क्लियर तो एज और लाइक दोनों लगा दीजिए यहां पर ही इज हार्ड वर्किंग अब देखो ये एक एडजेक्टिव है यहां पर और ये एक क्या होगा वर्ब होगा तो ये कैसी वर्ब है ये एक लिंकिंग वर्ब अगर लिंकिंग वर्ब है तो केवल लाइक लगाइएगा फिर ये एक सवाल अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि सी इज एज फेयरलेस डैश अ टाइग्रेस अब आप ये बताए आप सी का कंपेयर टाइगर के साथ कर रहे हैं मतलब ये एक सब्जेक्ट टाइग्रेस के साथ क्या सब्जेक्ट होगा इसके बाद अगर लिखना चाहे तो वर्ब लिखे या ना लिखे तब भी क्लियर होती कि भैया सब्जेक्ट है मतलब एक आगे क्लॉज है अगर आगे क्लॉज है तो आप लाइक नहीं लगाएंगे सो नहीं लगाएंगे ऑल नहीं लगाएंगे यहां पर कंजंक्शन क्या है एच तो आप क्या लगाएंगे एज अ टाइग्रेस आप ये बताएं बच्चों आज की बात आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आई या नहीं आई जल्दी से बताएं आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई कि नहीं आई ये क्लास कल और एप्लीकेशन कल और लाइव होगी यूट्यूब पर और इसके बाद ये क्लास एप्लीकेशन पर आपकी लाइव हो जाएगी डेली सेवन पी पर एप्लीकेशन पर लाइव चलेगी फीस वन थाउजेंड है और आप हों या आपके संपर्क के जो भी हैं आप उन्हें जरूर बताइएगा कि वो सभी बच्चे एडमिशन लें और एडमिशन लेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा और फायदा होगा तो चले आप जल्दी से बताएं तो आज 62 नंबर तक क्वेश्चन ही रहेगा आप सभी को समझ में आया होगा समय भी हो गया। हम लोगों का होने वाले हैं। दस हो गए और क्लास सही एक घंटा दस मिनटा पंद्रह तो अगेन हम लोग मिलते हैं कल कल भर ये क्लास कल सैटरडे है कल और केवल क्लास लाइव होगी आपको यूट्यूब पर और इसके बाद यह क्लास लाइव होगी आपको कहां पर तो इसके बाद यह क्लास लाइव होगी आपको यू द स्पीड एप्लीकेशन पर लाइव होगी क्लास चलो मिलते हैं अगेन ओके बाय एंड गुड नाइट एवरी वन सर आपसे हम मिलेंगे मिलने आएंगे इलाहाबाद क्योंकि वसीम सर से कुछ काम है ठीक है जरूर बताइएगा आइएगा मिलिएगा ओके बाय गुड नाइट एवरीवन